इस वीडियो में हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके ग्राफ को देखेंगे। सबसे पहले कि सिग्नम फंक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो fx इक्वल टू हम लोग यहाँ पर सिग्नम एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर हम लोग SGN एक्स भी लिखते हैं। सिग्नम को हम लोग SGN एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन को हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बताते हैं सिग्नम फंक्शन का क्या बिहेवियर होता है, ये कैसे कैसे ये किसी भी फंक्शन को एक्स की कोई वैल्यू डालने पर ये कैसे आउटपुट देता है, कैसा रिएक्ट करता है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट कि fx इज इक्वल टू क्या देगा, तो सिग्नम फंक्शन के अंदर आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, अगर पॉजिटिव डालोगे जब वैल्यू 0 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन जब 0 हम लोग डालते हैं, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, ये 1। इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ये डालो, ये हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है। कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिग्नम फंक्शन तीन वैल्यू देता है, ठीक है। एक तो 1 देगा जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ा जब एक्स की वैल्यू यहाँ डालोगी तो ये क्या देता है, 1 दे देगा। नेक्स्ट ये 0 देता है, कब, जब एक्स इज इक्वल टू, अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। और एक वैल्यू ये और देता है -1, कब, इफ एक्स लेस देन 0, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाती हूँ, आप यहाँ पर कोई भी आपके मन में आएगा सिग्नम SGN, आप डालो सिग्नम सिग्नम 1, वैल्यू क्या देगा, 1। आप डालो सिग्नम 2, वैल्यू क्या देगा, 2। आप डाल दो सिग्नम 3, वैल्यू क्या देगा, सॉरी ये 1 नहीं, ये 2 नहीं, 1 देगा, वैल्यू क्या देगा, 1। मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी इनपुट डाल रही हूँ, आउटपुट ये क्या है, ये इस टाइप का मशीन है कि आप इसके अंदर कुछ भी डालो, कुछ भी इनपुट डालो इस मशीन के अंदर, आप कुछ भी इनपुट डाल दो, ये बाहर आउटपुट बनकर क्या आएगा, 1 ही आएगा। कुछ भी आप डालते जाओ इसमें, कुछ भी तेल पानी जो भी मन है वो डालते जाओ, ये आउटपुट क्या देगा, 1 ही बनकर आएगा, ये इसके अलावा कुछ नहीं देखा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू एक्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आप डाल दो तो ये 1 दे रहा है पॉजिटिव में। जैसे अगर यहाँ पे मन है सिग्नम 8 क्या देगा, 1। सिग्नम 10 क्या देगा, 1। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ सिग्नम 0, फिर क्या वैल्यू देगा, ये 0 पुट करने पर ये क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। अब जब नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को ले लेते हैं, जैसे सिग्नम -1 अगर ले लिए तो ये क्या दे देगा, ये -1 देगा। सिग्नम -2 अगर डाल दो क्या दे देगा, -2 डालने पर भी ये क्या देगा, -1 देगा। फिर सिग्नम सपोज दैट -10 डाल दिए क्या देगा, -1 देगा। तो आप क्या देख रहे हो कि सिग्नम तीन तरीके का ये वैल्यू दे रहा है, जब भी हम इसमें कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू डाले ये +1 दे दिया, जब भी इसमें मैं 0 डाली तो ये क्या, 0 बनकर आ गया, और जब भी मैं इसमें निगेटिव कोई वैल्यू डाली तो ये -1 बनकर आ गया, ठीक है, ये -1 बनकर आ गया। तो ये तीन तरीके का वैल्यू सिग्नम जो है, तीन तरीके का वैल्यू, ये तीन टाइप का वैल्यू ये मुझे देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपको बोले कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो क्या क्या आप डाल लोगे डोमेन। डोमेन मैंने क्या डाला, माइनस में भी कोई भी वैल्यू पुट करके देख लिया, 0 भी पुट करके देख लिया, पॉजिटिव में भी कोई भी वैल्यू पुट करके देख लिया, तो क्या दे रहा है मुझे, ये 1 0 -1, ये तीन तरीके का ही वैल्यू मुझे दे रहा है।
और मैं सारा रियल नंबर इस पर डालकर चेक कर ली, सारे रियल नंबर को मैंने डाल लिया, तो डोमेन क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू डालकर जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, तो ये सारे रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइंड है आपका, ठीक है, सारे रियल नंबर पर फंक्शन मेरा डिफाइंड हो गया, तो इसका डोमेन क्या हो गया, होल रियल नंबर। और इन दैट केस व्हाट इज रेंज, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो आप देख रहे हो कि कोई भी रियल नंबर आप दे रहे हो, तीन टाइप का ये वैल्यू दे रहा है, एक तो -1 दे रहा है, दूसरा 0 दे रहा है, एक +1 दे रहा है, ठीक है, ये तीन टाइप का ये वैल्यू मुझे दे रहा है, तो ये क्या हो गया, रेंज हो गया मेरा -1 0 और +1। डोमेन क्या हो गया, डोमेन मेरा होल रियल नंबर हो गया। तो अब आप जैसे मान लो, सपोज दैट अगर आपसे कोई पूछते, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, सिग्नम पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो पाई की वैल्यू जब डालने पर ये क्या मुझे दे देगा, जब पॉजिटिव है तो ये 1 देगा वैल्यू। अगर मैं पूछ लूँ सिग्नम सपोज √2, ठीक है, ये भी मेरा पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या दे देगा, 1 दे देगा। फिर सिग्नम 1 -√2, यहाँ क्या देख रहे हैं, √2 तो पॉजिटिव है, √2 की वैल्यू ये 1 से बड़ा आएगा, तो 1 से बड़ा जाएगा तो ये नेगेटिव दे देगा, तो जब ये नेगेटिव दे देगा, 1 में से बड़ा वैल्यू घटेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव के केस में क्या होता है, ये -1 मुझे दे देगा। अगर सपोज डेट सिग्नम 1 + x³ अगर है, तो क्या देगा, सॉरी मैं यहाँ पे पहले x² लेकर चलती हूँ, 1 + x² है तो क्या दे देगा, तो x की वैल्यू कुछ भी निगेटिव डालो, कोई भी निगेटिव, पॉजिटिव है तो कोई चेंज होगा ही नहीं वैल्यू, अगर निगेटिव ही हम लोग डालते हैं तो x² करके उसको पॉजिटिव ही बना देता है, और पॉजिटिव में 1 ऐड हो रहा है, तो इट गिव्स 1, ये 1 दे देगा। तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव डालने पर पॉजिटिव दे रहा है, निगेटिव डालने पर वैल्यू -1 दे रहा है, पॉजिटिव डाल दिए तो +1, निगेटिव डालने पर -1, और 0 डाल देते हैं तो 0 पर ये 0 दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सिग्नम को, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्नम एक्स, ठीक है, सिग्नम एक्स इज इक्वल टू मे बी 1 0 -1, इसकी वैल्यू 3 वैल्यू हमें मिली, क्या +1 0 -1, कब, इफ 1 कब मिलेगी, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ओके, इफ, और 0 कब मिलेगी, इफ x इज इक्वल टू 0, फिर -1 कब मिलेगी, इफ x इज लेस देन 0। तो ये सिग्नम फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मुझे पता है क्या देगा, सिग्नम फंक्शन तीन टाइप के वैल्यू देते हैं, सिग्नम फंक्शन में यदि पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो +1 देगा, सिग्नम फंक्शन में कोई भी निगेटिव वैल्यू डालेंगे -1 देगा, और सिग्नम फंक्शन में 0 डालेंगे तो 0 देगा, ठीक है, ये तीन टाइप का ये वैल्यू मुझे देता है सिग्नम फंक्शन। तो इस तरह अगर सिग्नम फंक्शन को हम लोग, एक और बताते हैं सिग्नम फंक्शन को हम लोग एक और किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक तो हमने बताया सिग्नम एक्स है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ऐसे भी दे सकता है कि एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स और 0, ये मैं बता रही हूँ, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये एफ एक्स इक्वल टू आपको ऐसे भी दे सकता है, या वाई इक्वल टू सिग्नम एक्स ना लिख के आपको ऐसे भी लिख के मॉड एक्स अपॉन एक्स, या मॉड एक्स अपॉन एक्स है, इट मीन्स क्या है, ये भी सिग्नम फंक्शन का ही सिंबल है, तो ये कब देगा, देखो इफ एक्स इज इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू मेरा देता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, कैसे दे रहा है मैं आपको बता देती हूँ, और यहाँ 0 कब देगा, तो हमने क्या देखा है, सिग्नम फंक्शन में 0 का वैल्यू देता है, जब सिग्नम के अंदर 0 होगा तब ये वैल्यू
जीरो देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो कब दे रहा है, जब जीरो डालूंगा तो जीरो देगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जब एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो वैल्यू क्या दे देगा मुझे, जीरो दे देगा। और इसको इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे बताते हैं, कैसे ये सही है ये भी मैं बताती हूँ। इसलिए मैंने पहले मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया है। तो मॉडुलस फंक्शन में आपने क्या देखा, जब भी मॉड एक्स को जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या क्या वैल्यू देता है मॉड एक्स को, तो प्लस माइनस एक्स देगा, पॉजिटिव एक्स और एक निगेटिव एक्स देता है। तो मॉड एक्स को अगर हम लोग तोड़ ले तो क्या दे देगा, एक्स देगा। एक बार पॉजिटिव लेकर चल रही हूँ तो एक्स देगा, एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो ये क्या दे दिया, वन ही तो दिया। और कब ये वन दिया, जब एक्स की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू डालेंगे तो क्या दे देगा, मेरा वन दे देगा। और जब हम लोग एक्स की वैल्यू जब मॉड तोड़े तो एक पॉजिटिव एक्स दिया तो उसका काम हम लोग कर लिए, एक अब निगेटिव एक्स भी तो देगा, तो ये क्या दे देगा, माइनस एक्स। जब मॉड को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस एक्स देता है, तो अपॉन एक्स, इसको अगर आप तोड़िएगा तो क्या दे देगा, ये माइनस वन ही तो देगा। कब ये माइनस वन दिया, जब एक्स लेस देन जीरो होगा। तो इसी दोनों बात को जो यहाँ तोड़ कर हमने जो लिखा है, इसी चीज को ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है क्या, मॉड एक्स। अब प्लस माइनस एक्स जो है, प्लस माइनस एक्स को आप डायरेक्ट मॉड एक्स तो लिख सकते हो, डायरेक्ट मॉड एक्स तो लिख सकते हो। तो क्या हो गया, मॉड एक्स अपॉन एक्स दे दिया और इसको तोड़ कर यहाँ दिखाया, तो यही चीज तो सेम सेम चीज है। तो अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होगा, सिग्नम फंक्शन किस टाइप की वैल्यू देती है, तीन टाइप की वैल्यू देती है। क्या, अगर उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, जीरो से बड़ा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर हम डाल दे तो क्या देगा वैल्यू मुझे, वन देगा। और जीरो जब मैं डालती हूँ तो क्या देगा, जीरो। और फिर जब मैं कोई भी निगेटिव वैल्यू डालूंगी, जीरो से छोटा कोई भी निगेटिव वैल्यू सिग्नम फंक्शन के अंदर डालने पर वो क्या देता है, माइनस वन देता है। बस इस तीन चीज को आपको माइंड में रखना है, बस इसी पर सिग्नम फंक्शन बस इतना ही है, तीन चीज इसका वैल्यू देता है। तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं, जब इतना बात आपको पता चल गया है तो अब आप यहाँ पर बता दीजिए कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ऐसे, डोमेन क्या आपने देखा, डोमेन ऑफ फंक्शन आपने अभी क्या देखा कि कोई भी रियल नंबर मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। सिग्नम फंक्शन के अंदर मैं कोई भी वैल्यू, आपने यहाँ देखा, मैं यहाँ पे इतना सारा वैल्यू लेकर मैं आपको दिखाई हूँ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आपने लिया, फिर जीरो लिया, फिर कोई भी निगेटिव नंबर आपने लिया, तो आप कोई भी वैल्यू क्या ले रहे हैं, रियल नंबर का प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे वैल्यू आप ले रहे हैं यहाँ पर, और सारे पर फंक्शन क्या है आपका, डिफाइंड है, ठीक है। तो जब आप वो वैल्यू ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन, वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा। पूरा रियल नंबर का वैल्यू हमने रख के चेक करने पर ये फंक्शन में डिफाइंड हो रहा है, कोई भी वैल्यू पर ये फंक्शन मिल रहा है, तो क्या होगा, डोमेन, डोमेन इसका आर हो गया, पूरा रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का कोई भी नंबर लेकर मैं चेक करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये तीन ही वैल्यू मुझे देगा, तो ये इस पर फंक्शन में डिफाइन हो गया। अब रेंज की बात है तो रेंज क्या आप बोलिएगा, बहुत सिंपल है, रेंज क्या होता है, जिस पर जो वैल्यू मुझे दे रहा है, आउटपुट मुझे दे रहा है, वही तो रेंज है। आउटपुट मुझे क्या दिया इस कंडीशन में, कोई भी वैल्यू मैं डाल रही हूँ तो यही तीन चीज दे रहा है ना, तो यही जो तीन चीज मुझे आउटपुट दिया वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज। एक क्या देगा, सिग्नम फंक्शन निगेटिव वैल्यू डालने पर क्या देता है, माइनस वन, एक यू हो गया। सिग्नम के अंदर जीरो डालूंगी तो क्या दे देगा, जीरो देगा। और सिग्नम फंक्शन के अंदर पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालूंगी तो क्या दे देगा, प्लस वन। दिस इज आवर रेंज, हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। और ये मेरा डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। तो सिग्नम फंक्शन का इतना क्लियर हो गया। अब क्या बात आ रही है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे सिग्नम फंक्शन का। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ, फिर मैं अच्छे से और क्लियर कर दूंगी। ये क्या हो जाता है मेरा एक्स, एक्स डैश वाई एंड दिस वन। तो अब क्या देख रहे हैं, सिग्नम फंक्शन पे जीरो मैंने पुट किया, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे सिग्नम फंक्शन में मैं क्या जीरो पुट की, ठीक है। वैल्यू मुझे क्या दे दिया, जीरो दे दिया, यहाँ पर वैल्यू दिया मुझे जीरो। हाँ, अब सिग्नम फंक्शन के अंदर सपोज एक यहाँ पर वन है, टू है, थ्री है एंड फोर है, इधर भी वैल्यू जाए, माइनस वन,
माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर, ठीक है, मैं यहां तक लेकर चल रही हूँ। ऊपर भी जाएगा वन टू थ्री, ऊपर का तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है खास, लेकिन मैं ले लेती हूँ। चलिए ठीक है, यहां तक मैंने ले लिया। अब क्या देख रहे हैं, जीरो लेने पर ये वैल्यू क्या देता है, जीरो तो यहीं पर रहेगा, ये जीरो है तो ये यहीं पर रहेगा। अब मैं सिग्नल फंक्शन के अंदर वन ले रही हूँ, ठीक है, वन ले लू, वैल्यू क्या दे देगा, वन देगा, ये यहाँ पर देगा वन, क्योंकि ये वन है, वन टू ये थ्री है, ये वन दे दिया। मैं सिग्नल फंक्शन के अंदर मैं टू ले रही हूँ, टू लूंगी, वैल्यू क्या है, टू भी क्या है, पॉजिटिव, वैल्यू क्या देगा मेरा, वन ही देगा, तो ये मेरा वैल्यू वन ही दे रहा है, मीन्स ये यहीं पर दे रहा है वन। फिर मैं थ्री डालूंगी, ये वैल्यू क्या दे देगा, वन दे रहा है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर ले रही हूँ तो ये वन ही दे रहा है। फोर ली, ये भी वन दे दिया, मतलब आगे अगर फाइव लू, सिक्स लू, सेवन में बढ़ते जाऊं, ये सब पर क्या दे देगा, ये वन वन वन, ये वन ही देगा। अगर मैं सोचे चलो निगेटिव पर चेक करते हैं, तो निगेटिव पर जब माइनस वन ली, जब जब मैं माइनस वन ले रही हूँ तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये माइनस वन, ये नीचे क्या है मेरा, माइनस वन माइनस टू। फिर मैं माइनस टू ले ली, कोई भी निगेटिव वैल्यू ले रही हूँ तो क्या दे रहा है, माइनस वन। माइनस थ्री ली, ये माइनस वन दे दिया, माइनस फोर ली, ये माइनस वन दे दिया, माइनस वन की लाइन में जा रहा है। मतलब अब आगे मैं कितना भी निगेटिव लेते जाऊं, ये क्या होगा, ग्राफ मेरा ऐसे ही बढ़ेगा, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन, मैं कोई भी निगेटिव वैल्यू डालू, मैं माइनस इन्फिनिटी तक चली जाऊं डालते डालते, ये क्या दे देगा मुझे, माइनस वन ही देगा। और यहाँ पर मैं पॉजिटिव कोई भी वैल्यू डालू, ये प्लस वन ही देगा। तो अब क्या देख रहे हैं, ये ऐसे ही तो ग्राफ बढ़ रहा है, ये ग्राफ तो ऐसे ही जा रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है ऊपर में, और नीचे में ये ग्राफ माइनस वन पर जा रहा है, ठीक है, माइनस वन पर ऐसे बढ़ रहा है। तो अब क्या देख रहे हैं, एक तरह से आप देख रहे हैं एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है, ऊपर में ये प्लस वन जो बढ़ रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, ये माइनस वन जा रहा है तो कांस्टेंट की तरह, कांस्टेंट फंक्शन का भी तो ऐसा ही होता था, कोई एक पर जा रहा है तो बढ़ रहा है ऐसे ही, वो सिर्फ पॉजिटिव में होता था, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ऊपर में जा रहा है और नीचे में। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, जैसे मैं इसको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये सिग्नम फंक्शन का है, जो मैंने बताया कि सिग्नम फंक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड एक्स बाई एक्स भी लिखते हैं या एस जी एन एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर बुक में कहीं मॉड एक्स बाई एक्स मिल जाए तो ध्यान दे क्या रखना है कि ये सिग्नम फंक्शन है, या एस जी एन भी लिखा मिल जाए तो वो भी मेरा क्या है, सिग्नम फंक्शन है। और सिग्नम फंक्शन का ऐसा ही प्लॉट हो रहा है, देख रहे हैं कुछ भी वन टू थ्री फोर कोई भी वैल्यू यहाँ पर दिया है, सबकी वैल्यू क्या आ रही है, वन वन वन, कुछ भी इनपुट हो रहा है सारा आउटपुट में पॉजिटिव, कुछ भी इनपुट हो रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन, और जीरो पर जीरो ही, नेगेटिव कोई भी वैल्यू डालने पर ये माइनस वन ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। तो इससे सिग्नम फंक्शन का हम लोग डोमेन रेंज सब फाइंड करना सीख लिए, ग्राफ और उसका फाइंड करना डोमेन रेंज और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो वो भी हमने देख लिया। तो ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।